हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक नया ऑप्शन है हमारे पबजी मोबाइल में, कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग एंड कैमरा रोटेशन वाइल ADS। तो भाई काफ़ी लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा इससे होता क्या और क्या ज़रूरत है इस ऑप्शन की। तो आज हम इस ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस ऑप्शन के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्कोप मोड क्या होता है, टैप, होल्ड और मिक्स्ड। अगर आपको ये नहीं पता तो भैया आप खुद को और ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर लोगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पहले जाके मेरी पुरानी वीडियो देखो जिसमें मैंने अच्छे से बताया, और मेरे चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है वो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप समझ लो कि अच्छे से ये एक चीज़ क्या होती है जो स्कोप मोड है, टैप और होल्ड, अगर इसका मतलब पता है तो ही आगे वीडियो देखो, तभी आपको आगे वो समझ आएगा, वरना आप खुद को और कन्फ्यूज़ कर लोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस ऑप्शन को समझाने के लिए अच्छे से मुझे भाई थोड़ा सा हैंड कैम करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, तो मैंने जैसे जैसे जुगाड़ करके हैंड कैम किया है। कोई टिकटॉकर हो भाई जिसका धंधा ठप हो गया तो भाई अपना ट्राईपॉड भिजवा देना, मेरे को भला हो जाएगा, दुआएं लगेगी वीडियो में। तो सबसे पहले तो जो बंदे टैप पे खेलते हैं भाई, उनको इस ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे एनेबल रखो डिसेबल करो, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बात नहीं है, जो दिक्कत होगी वो होल्ड वालों को। तो होल्ड वालों को क्या दिक्कत आ सकती है इस ऑप्शन को एनेबल रखने की वजह से? अगर आप होल्ड पे खेल रहे हो और आपका ADS का बटन होल्ड पे है, फिर आपने होल्ड करके आप स्प्रे करो, अपने जायरोस्कोप से फुल कंट्रोल कर रहे हो, तो दिक्कत यहाँ पर क्या आ सकती है कि अगर आपने इंडेक्स से एनेबल कर रखा है और गलती से आपकी इंडेक्स हल्की से भी इधर उधर हुई तो आपका पूरा एम खराब हो जाएगा। और आपको तो पता ही है भाई, एक दो गोली मिस तो आप पहले डाउन हो सकते हो, क्योंकि गन भाई सबको चलानी आ गई, तो एक दो गोली मिस होते ही हल्का सा हिला और एम मेरा बिगड़ गया। तो भाई ऐसा ना हो इसलिए भाई ADS से डिसेबल कर दो। तो भाई यही सेम चीज़ पीक के साथ भी, लीन के साथ, अगर आपका लीन का बटन ऊपर है और लीन आप अपनी इंडेक्स से कर रहे हो ऐसे जो भी है अपना, तो अगर ये हिल जाएगा तो आपका एम बिगड़ सकता है। तो भाई कोशिश करो, अगर आप फोर फिंगर प्लेयर हो और आप इंडेक्स से लीन कर रहे हो या फिर पीक कर रहे हो, तो इस ऑप्शन को डिसेबल रखो। लेकिन ये ऑप्शन फ़ायदेमंद कब हो सकता है? अगर आप थंब प्लेयर हो, तो इमेजिन करो ये रहे मेरे कंट्रोल्स, मैं हूँ थंब प्लेयर, अब तुम्हारा भाई बन गया थंब प्लेयर। तो यहाँ पे अगर आप थंब प्लेयर हो तो आप ना इजीली इस ऑप्शन को ऑन करो भाई, फ़ायदा देगा आपको। क्योंकि क्या होगा, आपने ADS अपना ऑन किया और ADS को ऑन रखे रखे आप इजीली एम कर सकते हो, क्योंकि थंब प्लेयर थंब से ही एम करते हैं मोस्टली, और जायरो से भी एम करते हो, तो भाई थोड़ा सा हेल्प कर ही सकता है उनको थंब से एम करना। तो ये ऑप्शन भाई थंब प्लेयर्स के फ़ायदेमंद है, थंब प्लेयर्स इस ऑप्शन को ऑन कर ले, और जो भी फोर फिंगर प्लेयर्स हैं अपना ADS या फिर अपना पीक उससे करते हैं इंडेक्स फिंगर से, तो भाई वो उन्हें डिसेबल कर लें। आई होप आप लोगों को इस नई सेटिंग के बारे में समझ आ गया, और ना भी आया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और उसके अलावा भाई जो नई सेटिंग्स आई हैं यहाँ पे, इफेक्ट सेटिंग, तो भाई यहाँ पे अपोनेंट को जब हम हिट करेंगे तो उसका ब्लड स्प्लैश होता हुआ दिखेगा, तो भाई अच्छा ऑप्शन है, कूल ऑप्शन है, पर भाई चाइनीज़ वर्जन में बहुत तगड़ा है, पर ठीक है जो मिल गया उससे ही काम चला लेते हैं फिलहाल। तो उसके अलावा पिकअप ऑप्शन में भाई बहुत सारी नई चीज़ आई हैं, तो भाई ऑटो पिकअप तो एनेबल है ही, ऑटो पिकअप पिस्टल, भाई मैं पिस्टल मैं नहीं उठा रहा भाई डिसेबल, पिस्टल मैं खुद उठा सकता हूँ, ऑटो पिकअप की ज़रूरत नहीं, ऑटो पिकअप स्कोप नहीं भाई खुद उठा लूँगा, क्योंकि भाई कचरे की तरह स्कोप उठाता रहता है, जो चाहिए नहीं चाहिए सब उठा लेगा। ऑटो पिकअप कैंडिड साइड नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मेरे को तो भाई मैं यूज़ ही नहीं करता, फालतू में गन में लग जाती है और आयरन साइट का एम भी ख़राब करती है, तो डिसेबल ये भी। ऑटो इक्विप स्कोप, तो भाई ऑटो इक्विप स्कोप से क्या होता है, अगर आपकी गन में स्कोप नहीं लगा आपको आयरन साइट चलानी, तो भाई ये खुद ही ज़बरदस्ती आपको रेड डॉट 3X कुछ भी लगा के दे देगा, तो भाई इसको डिसेबल करो, ये ऑप्शन को बहुत पहले से चाहिए था, अच्छा वो आ गया। मैक प्रायोरिटी भाई एक्सटेंडेड मैक में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मैक प्रायोरिटी मैंने एक्सटेंडेड पे सिलेक्ट कर रखा है, आपको अगर क्विक ड्रॉ चाहिए या फिर डिफॉल्ट चाहिए तो कुछ भी कर सकते हो, बाकी तो पुराना ही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन भर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।